देखिए, दो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर के वाईकॉम 18 के दो नए स्पोर्ट्स के चैनल जो कि 1 नवंबर से ही लॉन्च हुए हैं, स्पोर्ट्स 18-2 और स्पोर्ट्स 18-3, 1 नवंबर से ही बिल्कुल फ्री चैनल हैं। इनको कोई भी प्राइज नहीं दिया गया था भाई ब्रॉडकास्ट के द्वारा, ठीक है। और 1 जनवरी से ये चैनल जो है डिश टीवी के द्वारा भी लॉन्च कर दिए गए हैं। जिंग सुपर फ्री टू एयर बॉक्स अगर आप लोगों के पास है तो वहां पर ये बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिंग सुपर बॉक्स में अगर कोई भी फ्री का चैनल लॉन्च होता है, ऐड होता है, तो वो जो है जिंग सुपर बॉक्स यूजर्स को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। और ऐसी ही अपडेट मैंने सिर्फ कल ही आप लोगों को दी थी कि यहाँ पर 2 स्पोर्ट्स के चैनल वाईकॉम 18 नेटवर्क के स्पोर्ट्स 18-2 और स्पोर्ट्स 18-3 बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जिंग सुपर फ्री टू एयर बॉक्स यूज करने वालों के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एनएटीओ 3.0 जो है 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। और यहां पर जो स्पोर्ट्स 18-2 है और स्पोर्ट्स 18-3 जो चैनल है उनके प्राइजेस भी लॉन्च कर दिए हैं, जो अभी तक आप लोगों को फ्री देखने को मिल रहे थे। तो ये जो एनटीओ 3.0 1 फरवरी से लागू होगा तो ये चैनल मुझे लगता है जिंग सुपर बॉक्स से भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये चैनल होने वाले हैं पेड। ये चैनल जो है जिंग सुपर बॉक्स ही नहीं, टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी पर भी फ्री देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी केबल सर्विसेज के द्वारा भी दिखाए जा रहे हैं तो वहां पर भी बिल्कुल फ्री देखे जा रहे हैं, लेकिन 1 फरवरी से ये दोनों चैनल जो है पेड होने जा रहे हैं भाई। इनको प्राइजेस यहां पर अनाउंस कर दिया गया है ब्रॉडकास्ट की तरफ से। 1 फरवरी से इन दोनों चैनल के प्राइजेस यहां पर जो अनाउंस हुए हैं वो सारी अपडेट आपको देने जा रहा हूं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो स्पोर्ट्स 18-1 और स्पोर्ट्स 18-1 HD के बाद भाई यहां पर जो ब्रॉडकास्टर है स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क वाईकॉम 18 नेटवर्क, उन्होंने स्पोर्ट्स 18-2 और स्पोर्ट्स 18-3 लॉन्च कर दिया है, लेकिन फ्री चैनल लॉन्च कर रखे हैं अभी तक 1 नंबर से जब से ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और जिंग सुपर बॉक्स पर भी बिल्कुल फ्री देखे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि DD फ्रिस को एक तकड़ा झटका है जिंग सुपर बॉक्स के द्वारा, क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स 18-2 और स्पोर्ट्स 18-3 जैसे चैनल बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहे हैं, लेकिन DD फ्रिस व्यूवर्स को कहीं ना कहीं इनसे वंचित रहना पड़ता है। लेकिन अब जिंग सुपर फ्यूचर बॉक्स यूजर करने वालों के लिए भी एक बड़ा झटका है 1 फरवरी से, क्योंकि जो स्पोर्ट्स 18-2 है वो अब फ्री नहीं रहेगा भाई 1 फरवरी से। इसका प्राइस यहां पर ब्रॉडकास्टर के द्वारा दे दिया गया है जो रहेगा 1 रुपया। जी हाँ, चाहे 1 रुपये प्राइस रखा जाए, चाहे 10 पैसे रखा जाए, चाहे 50 पैसे रखा जाए, चाहे जितना मर्जी हो, पेड कैटेगरी में आ चुका है, मतलब फ्री कैटेगरी से एंड कर दिया जा चुका है। अब वो जिंग सुपर बॉक्स की चॉइस है, वो इसको फ्री दिखाना चाहेगा या नहीं दिखाना चाहेगा। जैसे कि अभी कलर्स टीवी और कलर्स सिनेप्लेक्स जैसे चैनल फ्री दिखाए जा रहे हैं, तो वैसे ही वो जिंग सुपर या डिश टीवी की तरफ से चॉइस है, वो दिखाना चाहेगा या नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन ये चैनल जो है अब फ्री नहीं रहेगा। बाकी जो सेकेंड चैनल है स्पोर्ट्स 18-3, वो भी भाई पेड होने जा रहा है। इसका प्राइस रहेगा 4 रुपये। जी हाँ, इसका भी प्राइस 4 रुपये कर दिया गया है, काफ़ी कॉस्टली कर दिया गया है। और स्पोर्ट्स 18-1 का भी मैं बता देता हूँ भाई, जहाँ उसका प्राइस 8 रुपये हुआ करता था, 1 फरवरी से उसका प्राइस भी 19 रुपये होने जा रहा है भाई। जी हाँ, वाईकॉम 18 नेटवर्क ने भी अपने स्पोर्ट्स के चैनल के लगभग सभी के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। और देखते हैं भाई जिंग सुपर बॉक्स अपने व्यूवर्स को ये सर्विस दे पाता है फ्री दिखाने की या नहीं। अगर ब्रॉडकास्टर ने तो अपने प्लान 1 फरवरी से बता ही दिए हैं, अब वो जिंग सुपरबॉक्स या डिश टीवी पर डिपेंड करता है वो अपने व्यूवर्स को ये दिखाएगा या नहीं भाई। सो अपडेट ये, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लें। धन्यवाद।